अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू हबीब फार्मेसी। हबीब फार्मेसी में आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियोस का इंतज़ार कर रहे होंगे। और प्लीज़ 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 आपसे कहती चलूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। शुक्रिया बहुत बहुत। तो जनाब, आज आपके लिए लेकर आई हूँ इंतहाई आम सी लेकिन बहुत ख़ास और ज़रूरत में बहुत ज़्यादा काम आने वाली विक्स, जो कि जब भी हमें नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू, चेस्ट इन्फेक्शन, नमोनिया या गले का आ जाना या गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होना, जब भी हमें ये मसला होता है, ख़ासतौर से बच्चों को, बच्चों की विक्स भी मैंने आपको उसमें दिखा दी है, बेबी रब, ख़ासतौर से छोटे बच्चों को जब ये मसला होता है तो विक्स की हमें इंतहाई ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें बच्चों की पीछे कमर, पीठ पे और चेस्ट पे हमें लगा कर सुकून मिलता है जब बच्चा हमारा सुकून से सो जाता है। तो बच्चों के लिए भी ज़रूरी है और बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बड़ों को फ्लू हो जाना और जाना बहुत ज़्यादा इंतहाई, एक कह लें आप उलझन का शिकार हो जाते हैं, नज़ला, ज़ुकाम, गले में तकलीफ़, चेस्ट इन्फेक्शन, नमोनिया, उसके लिए विक्स बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपने चेस्ट पे लगानी है, अगर आपके गलों में तकलीफ है तो आपने गले में लगा के कपड़ा लपेट लेना है, अगर आपके सर में पेन है तो आपने कनपट्टी पे हल्की हल्की लगा के मसाज करना है, पूरे सर पे आपने नहीं लगाना, और अगर आपको खांसी है तो आपने पाँव के तलवों पे लगाना है, यानी अगर आपको खांसी है तो एक तो आपने पसलियों पे लगाना है और नीचे पाँव के तलवों पे लगाना है। खांसी में पाँव के तलवों पे लगाना इंतहाई मुफीद और बहुत जल्दी इसके असरअंदाज हो जाते हैं कि जब आप तलवों पे विक्स लगाते हैं शदीद खांसी में और उसके बाद आप गरमाई देते हैं, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, तो फौरन ही चेस्ट इन्फेक्शन में सुकून मिलना शुरू हो जाता है। तो जनाब, अगर खांसी है तो तलवों पे विक्स लगाएं, अगर गले में तकलीफ है तो गले पे लगा के कपड़ा लपेट लें, अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो चेस्ट पे विक्स लगाएं, और अगर पसलियों में दर्द है तो पीछे कमर और पीठ पे भी लगाएं। लेकिन इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपको बुखार है, फीवर है, तो आपने विक्स यूज़ नहीं करनी, क्योंकि बुखार में विक्स नहीं लगाते। बहुत से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बुखार में, तेज़ बुखार में भी जब उनको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम होता है तो वे विक्स लगा लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विक्स नहीं लगानी चाहिए बुखार में, सिर्फ फ्लू में, चेस्ट इन्फेक्शन में, और जब आपको रेस्पायरी सिस्टम से इन्फेक्शन हो, जब आपको सांस लेने में परेशानी हो रही हो, तो आप स्टीम भी ले सकते हैं। स्टीम भी ईजिली लेके आपको पुरसकून सांस मिलेगा। आप बच्चों को भी स्टीम दिलवा सकते हैं गर्म पानी में एक चम्मच विक्स का डाल के, और आप अच्छी तरह स्टीम लेके पुरसकून नींद सो सकते हैं। और अगर वो औरतें जो वो खवातीन जिनका पेट लटका हुआ है, अगर वो चाह रही हैं कि उनका बैली कम हो जाए, उनका पेट कम हो जाए लटके हुए पेट में, वो अगर रात को सोने से पहले विक्स लगाएं तो उससे भी उनके पेट की जो चर्बी है बहुत जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाती है और पेट बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो पेट से भी रिलेटेड मैंने आपको ये टिप दे दी है इस वीडियो में। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो आपने क्या करना है, आपने कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेके फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हबीब चैनल में खुदा हाफिज़।